अब एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर्स आर्टिकल 161 के अंदर है, 1641 के अंदर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड और उड़ीसा के अंदर अपॉइंट होता है, ठीक है। आर्टिकल 23 के 33 के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है विद ऑन हिज परमिशन के ऊपर, एडवाइज प्रेसिडेंट को करता है हाई कोर्ट जज अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। ये अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ पर्से गवर्नर ड्यूरिंग हिज प्लेजर। तो ये आर्टिकल 164 के अंदर दे रखा है। अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल को ऑफ द स्टेट, डिटरमाइंड रिन्यूमरेशन और स्टेट का, और डिटरमाइन करता है उसके रिन्यूमरेशन जो भी हैं, आर्टिकल 165 के अंदर ये दे रखा है, ठीक है। ये अपॉइंट करता है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आर्टिकल 315 के अंदर है। ये अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को और डिटरमाइन करता है इसकी कंडीशन एंड सर्विस एंड टेन्योर, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस को करता है ये। ये अपॉइंट करता है लोक आयुक्त को, अपॉइंट करता है चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन को। ये अपॉइंट करता है वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट के अंदर। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर की आर्टिकल 161 के अंदर दे रखी है। एक तो 164 के फर्स्ट पार्ट के अंदर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है एमपी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर और उड़ीसा के अंदर। और ये आर्टिकल 233 के अंदर दे रखा है कि ये डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाएगा इसकी परमिशन से, ठीक है। और ये एडवाइज़ करता है प्रेसिडेंट को जब भी हाई कोर्ट का जज को अपॉइंट किया जाता है। ये तो हो गया आर्टिकल 161। फिर आता है अपने आर्टिकल 164 के अंदर दे रखा है कि ये अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और होल्ड करते हैं ड्यूरिंग हिज प्लेजर, और ये होल्ड करते हैं ऑफिस इसके प्लेजर के अंडर में। फिर आता है अपने आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 कहता है कि ये अपॉइंट करता है किसको, एडवोकेट जनरल को, और ये डिटरमाइन करता है उसके जो भी रिमूनरेशंस हैं, जो भी उसके रिमूनरेशंस हैं। फिर ये अपॉइंट करता है आर्टिकल 315 अपॉइंट करता है चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। फिर आता है अपने अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशनर और डिटरमाइन करता है कंडीशन सर्विस और उसके टेन्योर ऑफ ऑफिस का, ठीक है। ये अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन और डिटरमाइन करता है उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस और उस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस, और टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या है उसका। फिर ये अपॉइंट करता है लोक आयुक्त को अपॉइंट करता है, और ये फिर चेयरपर्सन अपॉइंट करता है किसके, एक तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन को, एक स्टेट वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन को, एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है। ये अपॉइंट करता है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ का ये अपॉइंट करता है स्टेट के अंदर में। अब ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड की जाएंगी और टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर के नाम पर। द गवर्नर शैल मेक रूल्स करेगा, कन्वीन करेगा ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड अलोकेट करेगा अमंग ऑल द मिनिस्टर्स स्टेट बिजनेस, आर्टिकल 162 166.2 के अंदर ये कहा गया है। द गवर्नर कैन सीक करेगा इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स ऑफ द स्टेट के, ये आर्टिकल 167 के अंदर दे रखा है। गवर्नर कैन रिकमेंड कर सकता है इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टेट के अंदर टू द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 356 के अंदर दे रखा है। ये अपॉइंट करता है चीफ सेक्रेटरी स्टेट का, ये अपने को चेक करना है एक बार। अब अपन ने इसमें क्या पढ़ा, इसके अंदर आठवां पॉइंट अपन ने पढ़ा कि सारी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कि स्टेट की ली जाएंगी वो गवर्नर के टेकन स्टेट गवर्नमेंट की एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर, गवर्नर के नाम पर ली जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि गवर्नर शैल मेक करेगा, गवर्नर रूल्स बनाएगा, मेक रूल्स फॉर द ताकि कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन हो सके, कन्वीनियंट
ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट फॉर अलोकेशन और एंड फॉर अलोकेशन, अलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस, अलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स, अमंग द मिनिस्टर ऑफ द सेट बिजनेस। तो ये दे रखे अपने को आर्टिकल 166(2) के अंदर। फिर अपने आता है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 के अंदर दे रखा है गवर्नर कर सकता है, सीक कर सकता है इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटिंग हो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट की। ठीक है, अब दे रखा है 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट के अंदर आर्टिकल 356 के बारे में दे रखा है कि गवर्नर रिकमेंड कर सकता है इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टेट के अंदर टू द प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट को के बोल सकता है। ठीक है, और 12वां पॉइंट ये अपने को चेक करना है कि चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है यानी कि गवर्नर। अब आते हैं उसके लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स ये समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। आर्टिकल 174 के अंदर दे रखा है स्टेट लेजिस्लेचर को, ये एड्रेस कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। आर्टिकल 176 के अंदर दे रखा है ये कैन सेंड कर सकता है मैसेज ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू द पेंडिंग बिल। ये आर्टिकल 192 के अंदर दे रखा है ये असेंट कर सकता है और विदहोल्ड कर सकता है एनी बिल को जो कि रिजर्व कर सकता है बिल कंसिडरेशन प्रेसिडेंट के अंदर। ये आर्टिकल 200, 200 और 201 के अंदर दे रखा है, चेक करना अपने को। ठीक है, ही कैन प्रोड्यूस यू प्रमुलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन। ये आर्टिकल 213 के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट करता है वन सिक्स मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अमंग्स द पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज होगी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस क्लास के अंदर। क्लास के अंदर कौन कौन से आएंगे अपने, सी से आएगा कोऑपरेटिव, एल से आएगा लिटरेचर, ए से आएगा आर्ट, एस से आएगा सोशल साइंस, सोशल सर्विस, सोशल साइंस नहीं सोशल सर्विस, और एक दूसरे एस से आएगा साइंस। तो इसके अंदर अपन देखेंगे क्या क्या पढ़ा। अब लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर अपन देखेंगे ये कि ये ही कैन समन कर सकता है, प्रोरोग्यू कर सकता है, एडजर्न कर सकता है और डिजोल्व कर सकता है। ये आर्टिकल 174 के अंदर अपने को दे रखा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। और दूसरा पॉइंट, ये एड्रेस कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, एड्रेस कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन पे आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के बाद में, और आफ्टर फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और हर साल के पहले सेशन में। ठीक है, और ये सेंड कर सकता है मैसेज टू द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू द पेंडिंग बिल। पेंडिंग बिल से रिलेटेड ये क्या कर सकता है, ये सेंड कर सकता है मैसेज हाउस को। ये आर्टिकल 192 के अंदर दे रखा है। चौथा पॉइंट, ये असेंट देता है विद होल्ड एनी बिल, गिव असेंट और विद होल्ड करता है एनी बिल, असेंट और विद होल्ड एनी बिल, और रिजर्व करता है बिल को कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 201 के अंदर ये दे रखा है। ठीक है, ये प्रोमोलगेट करता है, प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट करता है जब हाउस सेशन के अंदर नहीं होता है। तो ये आर्टिकल 213 के अंदर दे रखा है अपने को। ठीक है, ये नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्लास से, ये है क्लास से, सी से अपने कोऑपरेटिव, एल से अपना लिटरेचर हो जाएगा, ए से अपना आर्ट हो जाएगा, एस से सोशल सर्विस हो जाएगा, एस से साइंस हो जाएगा। अब आता है अपने आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 के अंदर नॉमिनेट करता है 1 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ये अपने हटा दिया गया है शायद। ही लेज द रिपोर्ट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन और CAG रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द स्टेट। तो
आरपीएससी अपने बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, तो तीन लोगों की ये रिपोर्ट को रखता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 192 के अंदर दे रखा है। गवर्नर कैन रिजर्व कर सकता है फॉलोइंग बिल्स को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, जो कि अल्ट्रा वायर्स हो और अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो। अपोज टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अपोजिशन में हो, अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट में हो, ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का हो और डीलिंग विद आर्टिकल 31 ए से रिलेटेड हो। तो अपन ने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि अपन ने आर्टिकल 333, आर्टिकल 333 के अंदर देखें नॉमिनेट करता वन मेंबर टू द हर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, नॉमिनेट करता है एक मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हो, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हो, ठीक है। और ये लेज करता है रिपोर्ट, रिपोर्ट कौन कौन सी देता है, ये तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट देता है, दूसरा स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देता है, तीसरा ये सीएजी की रिपोर्ट देता है जो कि बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के साथ में। और अगला पॉइंट ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन करेगा ये एमएलए और एमपी का, और रिकमेंडेशन का इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ये आर्टिकल 192 के अंदर दे रखा है अपने को। यहाँ पे नोट अपने को क्या करना है, नोट अपने को ये करना है कि गवर्नर रिजर्व कर सकता है, रिजर्व कर सकता है कोई भी फॉलोइंग बिल्स को, जैसे कि अपन देखें सबसे पहले अपन देखेंगे अल्ट्रा वायर्स, सबसे पहले देखेंगे अल्ट्रा वायर्स जो कि अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, दूसरा अपने को ये अपोज करेगा डायरेक्टिव, अगर कोई बिल अपोज करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को तो उसको भी रिजर्व कर सकता है, ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए हो तो उसको भी रिजर्व कर सकता है, अगर ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का हो तो उसको भी ये रिजर्व कर सकता है, और डीलिंग विद द आर्टिकल 31A से अगर डील कर रहा है तो उसको भी ये रिजर्व कर सकता है। अब अपन देखेंगे फाइनेंशियल पावर्स ऑफ गवर्नर, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ गवर्नर क्या है, ही सीक दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट लेट डाउन बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर के पहले रखा जाएगा। मनी बिल्स कैन इंट्रोड्यूस करेंगे इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली प्रायर रिकमेंडेशन से, इसकी डिमांड फॉर ग्रांट इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर। ही कैन मेक एडवांस आउट करेगा कंटेंजेंसी फंड्स ऑफ स्टेट से टू मीट करने के लिए कोई भी अनफॉर्चुन कंडीशन को। ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए और रिव्यू करेगा जो कि फाइनेंशियल और फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पंचायती एंड म्यूनसिपलिटीज का। तो अब आता है फाइनेंशियल पावर्स के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि ये सीक करता है दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बजट लेट बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर के पहले रखा जाएगा। दूसरा मनी बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन, इसकी प्रायर रिकमेंडेशन से। तीसरा डिमांड फॉर ग्रांट आर इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिमांड फॉर ग्रांट्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी इसके रिकमेंडेशन के ऊपर। चौथा ही कैन एडवांस आउट करेगा कंटिजेंसी फंड को ऑफ द स्टेट टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, ताकि अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। पांचवा स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद में, और रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की और म्यूनसिपलिटीज़ की। अब आता जुडिशियल पावर्स द गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट आर्टिकल 161 के अंदर। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट कर सकता है स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ, और कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस और पनिशमेंट बाय द कोर्ट मार्शल के द्वारा। मेक कर सकता है अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट आर्टिकल 233 के अंदर ये दे रखा है। अपॉइंट करेगा पर्सन टू जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट एंड कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट पीसीएस के द्वारा।
डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर की 100 आर्टिकल 163 के अंदर दे रखी है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी इज क्लियर कट मेजोरिटी, कोई क्लियर कट मेजोरिटी में नहीं हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। व्हेन द सीएम ऑफ ऑफिस डाई सडनली, तो कोई सक्सेसर नहीं है तो उसके अंदर ये अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को, जैसे कि गोवा का सीएम अपॉइंट किया गया था। ठीक है, अब आती है अपने जुडिशियल, इसकी जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स के अंदर क्या करेगा कि गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर को कंसल्ट किया जाएगा, कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट, जब भी वो अपॉइंट करेगा जज ऑफ कंसर्नड हाई कोर्ट, कंसर्नड हाई कोर्ट का जब भी वो जज अपॉइंट करेगा। फिर आर्टिकल 161 के अंदर दे रहेगा कि ये करेगा, ग्रांट कर सकता है ये पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन कर सकता है, और पनिशमेंट को, और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकता है स्टेटमेंट को। ये तो पनिशमेंट का हो गया और ये स्टेटमेंट का हो गया। ठीक है, ऑफ ए पर्सन कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस के अंदर हुआ है उसको, अगेंस्ट स्टेट लॉ के अगेंस्ट में, अगेंस्ट स्टेट लॉ, और कैन नॉट पार्डन, और ये पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को, और पनिशमेंट हो, कोर्ट मार्शल का पनिशमेंट हो तो उसको पार्डन नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट, ये मेक कर सकता है अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स और प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के कंसल्टेट करके, स्टेट हाई कोर्ट के कंसल्ट करके, ये आर्टिकल 233 के अंदर दे रहेगा। ये क्या करेगा, अपॉइंट करेगा पर्सन ऑफ जुडिशियल सर्विस, पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट पीसीएस से, कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट पीसीएस से, पीएससी से। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या हैं, इसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर्स ये क्या करता है, अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर उसको अपॉइंट करता है जब भी कोई भी नो पार्टी मेजोरिटी के अंदर हो, क्लियर कट मेजोरिटी नहीं हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और व्हेन द सीएम इन ऑफिस डाई सडनली, और कोई भी सक्सेसर नहीं हो, तब जाके। ठीक है, जैसे कि गोवा के अंदर किया था। अब आता है डिसमिसल ऑफ काउंसिल, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जब प्रूव नहीं करता कॉन्फिडेंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लॉस्ट करते हैं मेजोरिटी, आर्टिकल 174 के अंदर दे रखा है। रिजर्वेशन ऑफ ए बिल प्रेसिडेंट, आर्टिकल 201 के अंदर दे रखा है रिजर्वेशन बिल का, कि आर्टिकल 201 के अंदर करेगा। रिकमेंडेशंस और इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल करेगा आर्टिकल 356 के अंदर दे रखा है। गिव परमिशन ऑफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट सीएम के अंदर भी ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर है। सरोजनी नायडू ने कहा है कि जो कि बर्ड कैप्चर किया गया है गोल्डन केज के अंदर। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा है कि वन हु अट्रैक्ट सैलरी और ओसम अमाउंट है जिसका। श्री प्रकाश ने कहा है कि रोल ऑफ गवर्नर इज कन्फाइंड टू सिंगिंग ऑन द ब्लैंक स्पेस और पेपर। ठीक है, एम वी पाइले ने कहा है कि गवर्नर टॉर्च बियरर है जो कि पीस इन द स्टेट के अंदर। अब आता है अपने डिसमिसल। ठीक है, अगर गवर्नर कह सकता है, इसके डिस्क्रिशनरी पावर है कि डिसमिसल कर सकता है ये मिनिस्टर्स को। When cannot prove confidence, जब confidence प्रूव नहीं करता state legislative assembly के अंदर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि ये dissolve कर सकता है state legislative assembly को if the council of ministers have lost the majority, ये article 174 के अंदर दे रखा है। अगर वो majority lost कर गया तो ये dissolve कर सकता है। ठीक है, और इसकी discretionary power है कि रिजर्व कर सकता है बिल को president के consideration के लिए, article 201 के अंदर दे रखा है, ये अपने को चेक करना है। रिकमेंडेशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, आर्टिकल 356 के अंदर दे रखा है। ठीक है, रिकमेंडेशन जो कि इम्पोजिशन ऑफ बिल प्रेसिडेंट रूल का जो कि अपने को दे रखा है स्टेट के, आर्टिकल 356 के अंदर अपने को दे रखा है। और ये परमिशन देता है कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन करे से अगेंस्ट सीएम के अगेंस्ट में, तो ये भी अपने को दे रखा है। अब स्टेट बाय गवर्नर ऑन द पोस्ट, जैसे कि सरोजनी नायडू अब बर्ड कैप्चर किया गया गोल्डन केज
केज के अंदर ये कहा है सरोजिनी नायडू ने। विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा है कि वन हु अट्रैक्ट सैलरी, जो कि सैलरी को अट्रैक्ट करता है, और कैन बिकम गवर्नर, जो कि गवर्नर बन सकता है। तीसरा पॉइंट श्री प्रकाश ने कहा है कि रोल ऑफ गवर्नर कन्फाइंड किया गया है सिंगिंग ऑन पेपर में, सिंगिंग ऑन ब्लैंक स्पेस के ऊपर ऑन पेपर, ठीक है। अब एम बी पायली ने कहा कि गवर्नर टॉर्च बियरर है और इस्टेब्लिशर है पीस का स्टेट के अंदर। अब पोस्ट ऑफ गवर्नर, पोस्ट ऑफ गवर्नर वाज क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956 के अंदर, एंड गवर्नर ऑफ राजस्थान पहला था गुरुमुख निहाल सिंह। गवर्नर ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल राजस्थान के अंदर डॉक्टर संपूर्णानंद 13 मार्च से 26 मार्च 57 तक, और विजय वेदपाल त्यागी 30 अप्रैल से 21 जून 1977 तक लगा था। रघुकुल तिलक 17 फरवरी से 5 जून 1980 तक लगा था, और एम चिन्ना रेड्डी 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक लगा था। गवर्नर एक्सपायर हो गए पोस्ट के ऊपर दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र कुमार सिंह और श्रीमती प्रभा राव, और तीन वुमेन गवर्नर से राजस्थान के अंदर प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गेट आलवा, 12-14 के अंदर, 10 के अंदर और 4-7 के अंदर।